अमरूद एक आप आते हैं, दो साल में फसल देने लगे तो पेड़ में कम से कम 30 से 40 किलो अटेगा। लोग इस पे काम कर रहे हैं किसानों के लिए सब्जी, हमारे पास भी है भी उसका वेराइटी है। किसान ले जाके जानते हैं क्या करेगा, किसान लोग को लगता है ना। हरित क्रांति में कौन सी बीज की पैदावारी हाई यील्ड, हाई यील्ड। और तभी से क्या हुआ, आप देखिएगा किसी भी चीज की कई वेराइटी आ गई सब यहाँ पे। चावल की 50 गो वेराइटी आ गई सब यहाँ पे। अब जैसे बासमती चावल अच्छा है लेकिन उत्पादन उसका बहुत कम होता है, बोइएगा तो उत्पादन पेटे नहीं भरेगा बासमती चावल से, इसलिए वो क्या हो जाता है कॉस्ट ज्यादा आ जाता है यहाँ बासमती का। और गेहूं की भी अलग अलग वेराइटी है, आप इसका देखिए सेब का, अमरूद का। अमरूद एक आपको आते हैं सर कि बीएनआर बोइए या फिर ताइवान वाला पिंक, ताइवानी बोलिए, दो साल में फसल देने लगेगा। 5 हमारे हाइट का होता है बीएनआर, और एक तो पेड़ में कम से कम 30 से 40 के लिए अटेगा मेरे बराबर। बोलिए 2024 में 2026 से फसल लेना चालू कीजिए। 26 पहला फसल थोड़ा सा कम आएगा, तीसरा साल से एक पेड़ में 40 के जी आएगा। वीएनआर वेराइटी का नाम है वीएनआर, हाई यील्ड वेराइटी है, हर चीज की अलग है ना। फिर ताइवानी पिंक बो दीजिए, वो भी 3 साल लेगा। पौधा कहाँ से मिलेगा, हाँ हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग अभी उसका टेंशन। उसी सब पे तो हम आपको कई बार बोले हैं ना कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं किसानों के लिए सब चीजों पे, तो आपको क्या लग रहा है किस चीज पे काम कर रहे हैं। इसी चीज में हमारे पास भी है भी उसका वेराइटी यहाँ पे, लेकिन अभी उसका कम है, उसको हम लोग स्टॉक पाइलिंग बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। जैसे स्टॉक पाइलिंग हो जाएगा सबको, वैसे ही क्लास में जैसे आप लोग को क्लास किया जा रहा है ना, वैसे बैठा के क्लास होगा कितना बोना है यहाँ पर। ले जा किसान ले जाएगा जानते हैं क्या करेगा, कैसे नासेगा समझिए। किसान लोग को लगता है ना नासेगा कैसे, इसे उसका खेत है ना, कहेगा अरे ठीक है एकदम एक नंबर है लगा। अरे भाई आपको पता होना चाहिए कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए। दूसरा आपने एक लाइन बना दिया लाइन वन, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, उधर एकदम सटा देगा। अरे क्या जरूरत है सटाने का, इसमें बीमारी आएगा ऑटोमेटिक इस पे चल जाएगा। कोनो कोरोना है तो हम लोग 12 फीट की दूरी पे बैठते थे, कहीं ओकर कोरोना हमरे में ना आए तो एक में कहीं नहीं सोचते हैं। यहाँ गैप कर दिए, नीचे हल्दी बो दीजिए, हल्दी चल गया नीचे, अमरूद आ गया ऊपर। साधाना ही है ना जमीन को, साधा लीजिए, हल्दी में बीमारी नहीं पड़ती है। ये हल्दी एकरो देख लेगा, ये हल्दी एकरो देख लेगा, बीमारी में तो लोग हल्दी पियाते हैं नहीं समझे। तो हमारे यहाँ किसान जो है ना मतलब ईमानदार है, मेहनती है, सब कुछ है, एकदम साजिश करता नहीं है। खेती कैसे एकदम साजिश करके रुक बताते हैं यहाँ पे ऐसे हो जैसा, नहीं समझ में आ गया। और जिसके पास पैसा है वो साइड में सोलर लगा दे, पैसा है तब, नहीं तो सोलर काफी कॉस्टली आता है यहाँ पर, समझे। जानते क्या करेगा सब, ये लोग पेड़ों पे कीड़ा लग जाते हैं सब, तो जो फल को खाते हैं सब ना वो ज्यादातर रेंग के चलते हैं, जो फल खाते हैं सर रेंग के चलते हैं, पत्तियां खाते हैं उड़ते हैं सब, सबका पहचान है यहाँ पे। तो जो पेड़ लगाते हैं लोग यहाँ पे, सपोज कीजिए कि अमरूद का पेड़ है तो शुरुआत में तो डंठल होगा, बाद में ना इस अमरूद निकलेगा यहाँ यहाँ, तो एक ना गम आता है लेई गोद, वो सूखता नहीं है, उसे सुपर ग्लू कहेंगे, थोड़ा आता है वो गोद समझे। उसको क्या कीजिए, इस पे साट दीजिए, क्या कर दीजिए साट दीजिए इस पे, हो गया काम खत्म। साइड में चूना छिड़क दीजिए, कैल्शियम की जरूरत होती है पेड़ पौधों को, और चूना कीटनाशक भी होता है, देखो तो चूना आने नहीं देगा, कोनो आ गया चढ़ेगा तो सटले रह जाएगा, सटा दिया हमको, हम लोग का पेट नहीं है सटा दे यार। कोई किसान में देखते हैं ना कोई बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करता है किसान, जैसे हो रहा है खेती होने दो, दादा एगो अमरूद का पेड़ लगे ले है, पापा खाए फिर हम खा रहे, मोहल्लो खा रहा है वही में